नमस्कार, पीएमई विद्या चैनल नंबर 10 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं गीतांजलि। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज के लिए हम आपके लिए आज जो सब्जेक्ट लेकर आए हैं वो तो आप जानते ही हैं। हम मैथमेटिक्स क्लास 10 में इस वक्त जुड़े हैं और आज क्या कुछ खास रहने वाला है इसके लिए हमारे साथ हमारी एक्सपर्ट हैं जो आपको बताएंगी जो आज का सब्जेक्ट है उसके बारे में। साथ ही हम आपको इंट्रोड्यूस करा देते हैं उनसे, वो हैं मिस सविता ग्राग, टीचर गीता निकेतन, आवासीय विद्यालय सलारपुर रोड कुरुक्षेत्र। सविता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। नमस्कार। तो सविता जी, आज के आप सेशन में क्या कुछ बच्चों के लिए खास लेकर आई हैं, इस पर तो हम चर्चा करेंगे ही क्योंकि बहुत ही अहम है और बच्चे इंतजार करते हैं कि कब क्लास शुरू हो, कब वो क्लास को अटेंड करें। लेकिन इस वक्त जो बच्चे हमें देख रहे हैं या जो बच्चे हमसे जुड़ते रहेंगे लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर, एक ईमेल आईडी और एक टेलीफोन नंबर हम फ्लैश करेंगे, आप उन्हें देखेंगे और उस आईडी पर, उस ईमेल आईडी पर आप हमें मेल कर सकते हैं। साथ ही आप हमसे कनेक्ट फोन के माध्यम से भी हो सकते हैं। अब इसके लिए हमारा ईमेल आईडी क्या है, चलिए ईमेल आईडी भी जान लीजिए। इसके लिए हमारा ईमेल आईडी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर dth.class10@cit.nic.in। साथ ही हमारा जो फोन नंबर है वो भी आप जान लीजिए क्योंकि उसी पर आपको कॉल करना है और वो है 8800440559। इस नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। चलिए अब सेशन को आगे बढ़ाते हुए सीधा रुख करें सविता ग्राग जी की ओर। सविता जी, आज के सेशन में क्या कुछ खास? जी बिल्कुल गीतांजलि जी, आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है ये हमारे बच्चों के लिए बहुत नया टॉपिक नहीं है। द टॉपिक इज सर्कल्स। जब ये बच्चे छोटे छोटे क्लास नर्सरी केजी, तब से ये सर्कल से कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में जुड़े हैं। मम्मी जी की रोटी गोल, पापा जी का पैसा गोल, और इस तरह से धीरे धीरे पहुंचते पहुंचते इन्होंने वेरियस क्लासेस में अप टू क्लास 10 सर्कल के वेरियस पार्ट्स को समझा। सर्कल को समझा, सर्कल का सेंटर, रेडियस ऑफ द सर्कल, डायमीटर ऑफ द सर्कल, देन सेक्टर एंड सेगमेंट, वेरियस पार्ट्स ऑफ अ सर्कल समझते हुए अभी हमने जो अपने प्रीवियस सेशन सर्कल्स पार्ट 1 में डिस्कस किया ये था टेंजेंट्स टू अ सर्कल एंड सिकेंट टू अ सर्कल। तो अपनी इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए टुडे वी विल डिस्कस अ फ्यू क्वेश्चंस, बट उससे पहले हम एक बार डिस्कस करेंगे वो दोनों थ्योरम्स का रिजल्ट जो हमने प्रूव की थी पार्ट 1 में। जी, तो डिस्कस कर लेते हैं दैट व्हाट डू वी मीन बाय टेंजेंट ऑफ अ सर्कल। यहाँ इस इमेज में हम देख सकते हैं दैट देयर इज अ सर्कल एंड द सेंटर ऑफ दिस सर्कल इज गिवन टू बी पॉइंट O। सो इफ यू टॉक अबाउट दैट व्हाट विल बी द टेंजेंट हियर, सो वी कैन सी अ लाइन L, और इस लाइन L को अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं ये लाइन L P पॉइंट पर हमारे सर्कल को सिर्फ टच करके, एक सिंगल पॉइंट पर टच करके क्रॉस कर रही है। So this point will be known as the point of contact. और ये लाइन L, ये जो कंप्लीट लाइन बन रही है, इस लाइन को हम बोलेंगे टेंजेंट ऑफ द सर्कल विच इज टचिंग द सर्कल एट पॉइंट P। वी हैव डिस्कस्ड कि कोई भी टेंजेंट और रेडियस ऑफ द सर्कल, ये दोनों जहां पर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पर मीट करते हैं, जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पर देर इज अ सर्कल विद सेंटर O, देर इज अ पॉइंट, वी कैन गिव इट एनी नेम, लेट अस गिव इट द नेम X, देर इज अ पॉइंट X ऑन आवर टेंजेंट, लेट अस गिव द टेंजेंट टू बी नेम एज L। सो इफ वी जॉइन दिस पॉइंट O टू पॉइंट X, अगर हम एक रेडियस ऐसी ड्रॉ कर रहे हैं जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पर हमारे टेंजेंट को मीट करती है, वैसे तो बहुत सारी रेडियस हमें पता है एक सर्कल की हो सकती है, दिस इज ऑल्सो अ रेडियस, दिस इज ऑल्सो अ रेडियस, बट वी विल टॉक अबाउट द रेडियस ओ एक्स। और टेंजेंट को अगर हम नेम दे देते हैं टेंजेंट ए बी, तो यहाँ जो एंगल बन रहा है, एंगल एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन द रेडियस एंड द टेंजेंट, दैट मीन्स एंगल ओ एक्स बी, दिस एंगल इज 90 डिग्री। डियर व्यूअर्स, हमने एक बार फिर से रिकॉल किया, ये थ्योरम हमने प्रूव भी की थी पार्ट 1 में। अगर आप देखना चाहते हैं हाउ वी कैन प्रूव दिस रिजल्ट, सो यू विल हैव टू विजिट सर्कल्स पार्ट 1। सो हियर OXB एंगल इज 90 डिग्री, दिस इज वन ऑफ द रिजल्ट। लेट अस डिस्कस द अदर रिजल्ट, व्हाट इट इज। अगर हम कोई भी सर्कल, देयर इज एनी सर्कल विद अस, और हम इस सर्कल के
एक्सटीरियर में कोई पॉइंट लेते हैं, लेट देट बी एनी पॉइंट, लेट देट बी पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, एल, पी, व्हाटसोएवर पॉइंट दिस इज, तो इस पॉइंट से कितने टेंजेंट्स हम ड्रॉ कर सकते हैं? मैक्सिमम टू टेंजेंट्स. देखिए अभी मैंने जो लाइन ड्रॉ की, दिस इज नॉट अ टेंजेंट क्योंकि ये सर्कल को दो पॉइंट्स पर कट कर रही है. अगर हम माइन्यूटली ऑब्जर्व करते हैं, इट इज कटिंग आवर सर्कल और इंटरसेक्टिंग आवर सर्कल एट दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट एज वेल. देयरफॉर दिस इज नॉन एज द सेकेंड. बट हाँ, अगर हम एकदम से स्ट्रेट लाइन लगाते हैं और जो स्ट्रेट लाइन है वो सर्कल को जस्ट एंड ओनली वन पॉइंट पर टच करके पास हो रही है, दैट इज नॉन एज द टेंजेंट. और किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से हम कितने टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं? मैक्सिमम टू. एंड इन दिस थ्योरम नंबर टू वी आर प्रूविंग व्हाट, दैट द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल. यानी हम प्रूव करने जा रहे हैं दैट हियर पी एक्सटर्नल पॉइंट से हमने दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए हैं, द फर्स्ट टेंजेंट इज एंड द सेकेंड टेंजेंट इज टेंजेंट पी बी. हमें प्रूव करना है कि लेंथ ऑफ पी ए एंड लेंथ ऑफ पी बी बोथ आर इक्वल. ये प्रूव करने के लिए सिंपल सा फंडा विच इज नॉन एज कॉन्ग्रुएंसी, जो हमने क्लास नाइन्थ में बहुत डेप्थ में पढ़ा है, वो यूज करना होगा. हम देखते हैं क्या ये दोनों ट्राइंगल्स, ट्राइंगल पी ओ ए एंड ट्राइंगल पी ओ बी कॉन्ग्रुएंट है. अनडाउटेडली डियर व्यूअर्स, बाय यूजिंग राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड साइड, पी ओ इज कॉमन इन बोथ ऑफ द ट्राइंगल्स, ए ओ एंड बी ओ बोथ आर इक्वल, and the third thing is that angle A and angle B, both of these angles are 90 degree each. क्योंकि अभी हमने theorem 1 में पढ़ा है कि tangent और radius के बीच point of contact पर जो angle बनता है, that is a right angle. Therefore, by RHS, ये दोनों ही triangles congruent हैं एक दूसरे के. And we know that if two triangles are congruent to each other, then the remaining parts are also equal for both of those triangles. That means PA equals to PB. Let us now solve a few questions, ताकि हमने ये जो दोनों theorems में concepts समझे हैं, इन्हें हम और depth में अपने mind में, अपने brain में save करके रख सकें. So here is the very first example for today. What the example is? Prove that, हमें prove करना है that a parallelogram circumscribing a circle. We know the meaning of circumscribing. कोई ऐसा पैरेललोग्राम जो एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, यानी कि ऑल द फोर साइड्स ऑफ आर पैरेललोग्राम आर टचिंग आर सर्कल. हियर वी हैव सपोज दैट ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम इन विच साइड ए बी इज टचिंग द सर्कल एट पॉइंट पी, देन साइड बी सी एट पॉइंट क्यू, साइड सी डी एट पॉइंट आर एंड साइड डी ए एट पॉइंट एस. और हमें प्रूव करना है कि दिस पैरेललोग्राम विल श्योरली बी अ रोम्बस. यानी अगर कोई ऐसा पैरेललोग्राम है जिसकी ऑल द फोर साइड सर्कल को टच करते हैं, सर्कल इज इन द इंटीरियर ऑफ दैट पैरेललोग्राम, दैट पैरेललोग्राम विल श्योरली बिकम अ रोम्बस. तो पैरेललोग्राम है इसलिए हमें ऑलरेडी पता है दैट अपोजिट साइड्स ऑफ दिस पैरेललोग्राम आर इक्वल. देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू सी डी and BC is equal to DA. This is already there with us. हमें क्या प्रूव कर रहे हैं कि एक rhombus बन जाए. Rhombus का मतलब क्या है? अगर हिंदी में हम बात करें, rhombus means सम चतुर्भुज, यानी all the four sides will be equal. हमें प्रूव करना है कि किसी भी तरह से जो चारों साइड्स हैं AB, BC, CD and DA ये इक्वल हो जाए. So let us try to use the result of the theorem we just have proved. अगर A point को हम observe करते हैं, तो A is the external point और इस external point से point of contact तक जो length of tangents है, ये दोनों हैं AS and AP. So clearly हम बोल सकते हैं that AP is equal to AS. That is, this be our equation number one. इसी तरह से ऑल द फोर वर्टिसेस ऑफ आर पैरेललोग्राम विल बी टेकन वन बाय वन. बी वर्टेक्स से अगर आप ऑब्जर्व करते हैं, तो पी बी एंड क्यू बी बोथ ऑफ दीज आर इक्वल. सो वी कैन राइट दैट बी पी इक्वल्स टू बी क्यू. ओके डियर व्यूअर्स, आप कमेंट सेशन में लिख सकते हैं पैरेलली कि व्हाट विल बी द नेक्स्ट वर्टेक्स एंड विच वर्टेक्स विल बी द
next to that. Now the next vertex, it will be C, and we can say that what is equal to what from here? CR and CQ both are equal to each other. All right. And the last vertex of our parallelogram, that is vertex D. And from here you can see that DR, this DR is equal to DS. All right. अब हमने जो फोर यहाँ पर इक्वेशंस बनाई हैं, इन फोर के फोर इक्वेशंस के पीछे का जो रीजन है, दैट इज अ मस्ट फॉर यू ऑल टू मेंशन, ताकि क्लियर हो कि आखिर कौन सी प्रॉपर्टी, कौन सी थ्योरम का यूज हमारे स्टूडेंट्स ने किया है. सो व्हाट दैट इज टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट. टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट, दिस वी हैव टू राइट. Now, if we want to add all of these equations, that means equation number 1, 2, 3 and 4, क्योंकि हम ध्यान रखेंगे हमारा final result है कि हमें prove करना है कि इस parallelogram की adjacent sides भी equal हो जाए. तो एक बार इन four equations को add करके देखते हैं कि हमारे पास क्या अभी तक आ रहा है. What AP plus BP is? AP plus BP, that is undoubtedly AB plus CR plus DR, CR plus DR, in its place we can write CD, क्योंकि तीनों points को linear है, point C, point R and point D. इसी तरह से अगर हम right hand side को observe करते हैं, तो AS and DS, here it is DS, here it is AS, the sum of both of these is, yes, AB, and at last BQ and CQ. So this is our CQ, this is our BQ, and the sum of both of these is BC. अभी हमने जितना प्रूव किया, इतना प्रूव करने के बाद आपके पास क्या आ रहा है? That opposite sides का जो सम है, that means AB plus CD, that is equals to the sum of these two sides, BC and AD. लेकिन हमें अभी क्या प्रूव करना है? कि each side must be equals to each side. और ये हम कैसे कर सकते हैं? We do have with us that AB is equal to CD. तो यहाँ हम CD के place पर भी क्या लिख सकते हैं? Easily AB लिख सकते हैं. इसी तरह से BC किसके equal है? DA. So in place of BC we can write DA. So ऐसा करने पर हमारे पास आ रहा है AB plus AB and AD plus AD, which is 2AB. And on the right hand side, 2AD. So from here we are able to see कि किसी भी parallelogram में जो एक circle को circumscribe कर रहा है, adjacent sides की length equal आ रही है. और अगर adjacent sides की length equal है, that simply mean that that parallelogram will be a rhombus. So let us discuss one more question and many more after that. What this question is, in a figure, the figure is given here, xy and x dash y dash. You do have xy, this is a line, even it is a tangent to the given circle that is given to us. And both of these are parallel tangents to the circle with center O. So in the figure we can see that this is a circle with center O, and xy and x dash y dash, both of these are tangents, and these two tangents are parallel to each other. All right, after reading this, let us proceed ahead. Ki hame karna kya hai is question mein. It is another tangent, there is a third tangent, and the name of this tangent is tangent AB, which can be seen here, and this tangent is touching the circle at the point C, intersecting XY at point A. ये जो तीसरा tangent AB है, ये XY को point A पर cut करता है, intersect करता है, और tangent X dash Y dash को point B पर cut कर रहा है. And but we have to prove कि इसके बाद जो angle AOB frame हो रहा है, angle AOB. Let us observe this angle carefully in our figure. This is angle AOB.
ये कंप्लीट एंगल जो है वो किसी तरह से हमें प्रूव करना है 90 डिग्री के ऊपर। सो ओके, फॉर प्रूविंग दिस लेट अस सी व्हाट कैन वी डू। एट द वेरी फर्स्ट हमें पता है कि पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पर रेडियस और टेंजेंट के बीच जो एंगल बनता है दैट एंगल इज 90 डिग्री। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ज्वाइन कर दिया पॉइंट ओ को पॉइंट सी से, और पॉइंट ओ को सी से ज्वाइन करने पर वी कैन सी हियर दीज टू ट्राइंगल्स। द फर्स्ट इज ट्राइंगल पी ओ ए एंड ट्राइंगल सी ओ ए। लेट अस ऑब्जर्व केयरफुली दीज टू फिगर्स। इन द गिवन फिगर यस द फर्स्ट इज पी ओ ए एंड द सेकेंड ट्राइंगल हियर इज ओके इट इज सी ओ ए। So if we observe both of these triangles carefully, what can we see? We can see these two triangles have some common parts among them. Yes. And some parts are there which can be written with the help of the theorems we have proved. Let us see. Can I say that angle P and angle C both are equal? Because each of them is 90 degree. Then can we also say that OA and OA both are equal because OA is the common side for both of these triangles. इसी तरह से अगर हम A point जो हमारा external point है उस point से observe करते हैं कि what can we say about the length AP and AC? So both of these lengths are equal, so we can easily say that AP is equal to AC. These are the tangents drawn from the same external point. So we can say that by RHS both of these triangles are congruent to each other. और अगर ये दोनों triangles congruent हैं, तो इसका मतलब simply we can discuss about that angle 1 and angle 2. Angle 1 is a part of the first triangle POA and angle 2 is the part of the second triangle which is COA. अगर हमने बोला कि दोनों ही triangles congruent हैं, therefore we can easily say that angle 1 and angle 2 are equal by CPCP. All right. See, if angle 1 and angle 2 both are equal, then what can we further say about this angle 3 and angle 4? One more thing. Let us think over kya ek aur aisa rule hai by using which hum in dono triangles ko congruent prove kar sakte hain. So think over it. Aur agar aapko wo rule mil jata hai, humne yahan par RHS rule ka apply karte hue question ko solve kiya ya kar rahe hain, आपको दूसरा एक और रूल ऐसा सोचना है बाय विच आप यहाँ पर कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर सकते हैं, और अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और हमारे पास थ्रू मेल जरूर भेजिए। ओके, सिमिलरली इफ वी सी दिस एंगल 3 एंड एंगल 4 और इफ वी टॉक अबाउट द ट्राइंगल बी ओ क्यू एंड ट्राइंगल सी ओ बी, क्या हम बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट हैं? Let us check. This is your duty to check कि हम इन्हें किन रूल से congruent प्रूफ कर सकते हैं, और अगर ये congruent प्रूफ हो जाते हैं तो easily angle 3 and angle 4 को equal बोला जा सकता है because of congruency. The next thing is if these are congruent to each other, what can we say about line POQ? I already said about line POQ. क्योंकि ये दोनों ही टेंजेंट्स पैरेलल थे, सो इट इज क्लियर दैट पी क्यू इज द डायमीटर, देयरफॉर पी ओ क्यू इज अ स्ट्रेट लाइन, और अगर पी ओ क्यू स्ट्रेट लाइन है देन द सम ऑफ एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 विल बी 180 डिग्री। स्ट्रेट लाइन पर ये एंगल्स बन रहे हैं, एंड फर्दर एंगल 2 एंड एंगल 1 आर इक्वल, सो इन प्लेस ऑफ एंगल 1 वी कैन राइट एंगल 2। Now, angle 2 plus angle 2, that is double of angle 2, plus angle 3 plus angle 4 ke place par bhi kya likha ja sakta hai? Angle 3 likha ja sakta hai. Why we are writing it like this? Kyunki hume value calculate karni hai angle AOB ki. Aur angle AOB jo hai, that is equals to angle 2 plus angle 3. तो हम क्या कर रहे हैं, बाकी सभी एंगल्स को 2 एंड 3 एंगल की फॉर्म में ही लिख रहे हैं। नाउ 2 कैन बी टेकन कॉमन एंड देन
वी आर एबल टू फाइंड द रिजल्ट जो हमें कैलकुलेट करना था. एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री, दैट इज एंगल ए ओ बी इज 90 डिग्री. ऑल राइट, सो इसी तरह से फर्दर कुछ और क्वेश्चंस अभी हम देख सकते हैं कि ये क्वेश्चंस तो सर्कल्स टॉपिक से था. यहाँ पर सर्कल टॉपिक की हमने दोनों थ्योरम्स का यूज किया, लेकिन इसके साथ ही साथ हमने एक और कॉन्सेप्ट का यूज किया विच इज कॉन्ग्रुएंसी. बिल्कुल ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम पिक कर रहे हैं यहाँ पर हम एक और कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, दैट कैन बी पाइथागोरस थ्योरम और सिमिलैरिटी. तो इनमें से एक कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए हम यहाँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और दूसरे कॉन्सेप्ट से का यूज करके यू विल हैव टू शेयर द आंसर विद अस. ओके, व्हाट द क्वेश्चन इज, द क्वेश्चन हियर इज पी क्यू इज अ कोण ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर ओके ऑफ अ सर्कल हुज रेडियस इज 5 सेंटीमीटर एंड द टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम पॉइंट टी and these tangents are TP and TQ. We have to find the length of the tangent TP. दोनों में से किसी भी एक tangent की अगर आप length निकालेंगे, so it is clear कि दूसरे tangent की length भी equal होगी, because these are two tangents from the same external point. तो कैसे करने का कोशिश करें, हमें जो given है that is only and only the one of the chord, और उस chord के साथ साथ हमें given है one of the radius 5 सेंटीमीटर. सो इसे चेक करने के लिए कि ये वैल्यू क्या होगी, लेट अस ट्राई सॉल्विंग पहले कि किसी तरह से हम प्रूव कर पाए कि ये जो छोटी ट्रायंगल है पी आर ओ ये या तो सिमिलर या तो कॉन्ग्रुएंट हो जाए टी आर पी. लेकिन हम ऐसा करने की कोशिश करेंगे, तब हम देखते हैं वी डू नॉट हैव द लेंथ पी आर विद अस, हमारे पास पी आर की लेंथ नहीं है बल्कि कंप्लीट फुल कोड की लेंथ है विच इज पी क्यू टोटल 8 सेंटीमीटर. सो लेट अस ट्राई चेकिंग कि पी आर की वैल्यू क्या होगी. पहले फॉर दैट वी आर जॉइनिंग पॉइंट ओ एंड पॉइंट क्यू. अगर हमने पॉइंट ओ को पॉइंट क्यू से जॉइन किया तो हम सिंपली इजीली प्रूव कर सकते हैं दैट ट्राइंगल ओ पी टी एंड ट्राइंगल ओ क्यू टी बोथ आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर एंड दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ एस 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 रूल. Because we can see that TP is equal to TQ and OP is equal to OQ and TO is equal to TO. अगर ये दोनों triangles congruent हैं, तो further angle 1 will be equal to angle 2. Like CPCT it is happening. अगर angle 2 और angle 1 equal हैं, तो हमारा focus तो side PR पर है ना, हमें तो side पी आर की लेंथ निकालने की कोशिश करनी है ताकि फर्दर हम टीपी की लेंथ तक पहुंच सकें. तो ऐसा करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम अब इन छोटी ट्रायंगल्स, कौन सी छोटी ट्रायंगल्स, लेट अस सी, यानी कि ट्रायंगल पी आर ओ और ट्रायंगल क्यू आर ओ, इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं. और कैसी होंगी ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट, सी वी कैन से ओनली दैट यस ओ पी एंड OQ both are equal. Further OR is equal to OR and angle 1 is equal to angle 2 जो हमने अभी प्रूव किया है, वो हमने प्रूव ही इसलिए किया है ताकि हम इन स्मॉल ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद PR की लेंथ पर कंक्लूजन उसके लिए निकाल सकें कि PR की लेंथ क्या होगी. Yes, so PR is equal to QR क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इसलिए इन दोनों ही ट्रायंगल्स की साइड PR और साइड क्यू आर इक्वल होंगी. एंड द सेकेंड थिंग, एंगल 3 एंड एंगल 4 इन दोनों में भी अभी एक रिलेशनशिप है, और वो क्या रिलेशनशिप है कि ये दोनों एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे. और क्योंकि इन दोनों का सम 180 डिग्री है, तो ये दोनों एंगल्स अनडाउटेडली 90 डिग्री होंगे. इसी तरह से पी क्यू की लेंथ जो आपको गिवन है दैट इज 8 सेंटीमीटर, जिसके कारण पी आर एंड क्यू आर विल बी हाफ ऑफ 8 सेंटीमीटर. ओके, अब कैलकुलेट कर लिए हमने पी आर की वैल्यू, कैलकुलेट कर लिया है एंगल 3, और ऑलरेडी हमें पता है दैट ये एंगल जो यहाँ बन रहा है एंगल पी और एंगल टी पी ओ दैट इज 90 डिग्री. ऑलराइट, अगर ऐसा है सो लेट अस फोकस ऑन दीज टू ट्रायंगल्स, यानी कि ट्रायंगल ओ पी आर एंड ट्रायंगल टी पी ओ.
क्योंकि हमें वैल्यू निकालनी है टीपीओ की, टीपी टेंजेंट की। टीपी टेंजेंट जो है वो कहाँ से बिलोंग करता है, साइड टीपीओ का भी एक हिस्सा है, साइड टीपीआर का भी एक हिस्सा है। यू कैन गो विद एनी ट्राइंगल, बट अगर हम देखते हैं ये छोटी ट्राइंगल, ये लेना तो मस्ट रहेगा पी आर ओ। वाई सो? क्योंकि इस छोटी ट्राइंगल पी आर ओ में हमारे पास दिस इज 5, दिस इज 4, एंड बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम दिस विल बी 3। नाउ हम ट्राई करते हैं कि क्या ये दोनों ही ट्राइंगल सिमिलर हैं एक दूसरे के। फॉर दैट वी कैन सी दैट एंगल ओ जो है, यानी कि एंगल 1 जो है, दैट इज इक्वल फॉर बोथ ऑफ दीज ट्राइंगल्स एज इट इज कॉमन इन बोथ ऑफ दीज ट्राइंगल्स। इसी तरह से जो स्मॉल ट्राइंगल आपने ली है, यहाँ से एंगल 3 जो है, दैट इज इक्वल टू एंगल टी पी ओ, दीज बोथ आर 90 डिग्री ईच। और अगर कोई दो एंगल्स इक्वल हो जाते हैं हमारे पास, सी दिस इज, दिस पी आर इज नाउ 4, दिस इज 3, और अभी हमने प्रूफ किया दो एंगल्स इक्वल हैं, जिसके कारण ट्राइंगल पी आर ओ जो है वो सिमिलर हो जाती है ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल की, यस पी आर ओ। आर के सामने हमें पी को इंडिकेट करना है क्योंकि ओ एंगल कॉमन है, ओ विल बी देयर बिकॉज हम कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स के अकॉर्डिंग लिखते हैं। सो आपके पास दोनों ट्राइंगल्स के सिमिलर होने के कारण तीनों साइड्स का रेशियो भी इक्वल आ रहा है, और अगर इन तीनों साइड्स का रेशियो इक्वल है तो जो जो वैल्यूज अब हमारे पास है, वी विल पुट ऑल ऑफ दीज वैल्यूज। वी डू हैव पी आर, वी डू हैव टी पी, नो ये वैल्यू निकालनी है हमें, ओ आर 3 सेंटीमीटर, ओ पी विच इज 5 सेंटीमीटर। तो हमें ये थर्ड जो इक्वालिटी का पार्ट है इसे यूज करने की जरूरत भी नहीं है। By using these two parts of equality, we are able to get that TP is equal to 20/3 cm. So this is our question. Now let us proceed towards one more question. What it is? There are two concentric circles, and the radii of both of the circles are given to be 10 and 6. यहाँ पर जो एक अच्छा सा concept है dear viewers, वो है कि जो कोण है हमारी outer circle की, वो इनर सर्कल के लिए एक टेंजेंट का काम कर रही है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ कोण, हमें पता है कि कोण का, पहले एक क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले कोण का एक कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर लेते हैं। इफ दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड दिस इज अ कोण, और आप सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं अपनी कोण पर, तो ये क्या करता है, परपेंडिकुलर कोण को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। So, यहाँ पर बड़े सर्कल के लिए जो हमें कोण के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने लाइन सेगमेंट ए बी को देखना है, सेम लाइन सेगमेंट ए बी जो है वो छोटे सर्कल के लिए टेंजेंट है। यानी कि इस सर्कल के लिए अगर ये टेंजेंट है तो यहाँ पर पहले आप प्रूव कर रहे हो कि यस दिस एंगल इज अनडाउटेडली 90 डिग्री बिकॉज दिस इज द एंगल एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। सो वी कैन से दैट दिस एंगल ओ पी बी और ओ पी ए इज 90 डिग्री, and if this is 90 degree then in triangle APO hum apply kar sakte hain Pythagoras theorem, because of which you will be having 10 square minus 6 square equals to AP square. From here we are able to get that AP is equal to 8, but hume kya calculate karna hai dekh lete hain. We have to find the length of the chord. तो लेंथ ऑफ द कोण क्या होगी, अभी हमने यहां पर ये रिजल्ट डिस्कस किया, एपी की डबल, दैट मींस एबी इज इक्वल टू 2 × 8 व्हिच इज 16 सेंटीमीटर। गीतांजलि जी 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 बिल्कुल सविता जी, मैं यही अभी कहने वाली थी, क्या होता है कि जब बच्चे पढ़ रहे होते हैं और ध्यान से, तो उनका मन होता है कि सेशन और आगे बढ़ जाए, लेकिन वक्त की अपनी पाबंदी है। लेकिन आप हमारे साथ जुड़ी और बच्चों को आज इतना अच्छा आपने बताया मैथमेटिक्स सर्कल पार्ट 2 के लिए, सो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो हमारे धन्यवाद, और एक क्वेश्चन यहाँ स्क्रीन पर है, ये मेरे व्यूअर्स के लिए क्वेश्चन है, आई वुड लाइक कि वो ये क्वेश्चन सॉल्व करें और जरूर हमसे शेयर करें। चलिए ये क्वेश्चन भी बिल्कुल जो बच्चे जुड़े हुए हैं उन्होंने देख लिया होगा। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से आपका सविता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच।
तो जैसे अभी आपने देखा कि सविता जी ने आज जो बच्चों को सेशन भी समझाया, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है इस सेशन से रिलेटेड, आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें मेल कर सकते हैं, और फ़ोन नंबर भी है आपके पास में, उस पर आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं। फिलहाल आज के सेशन में इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।